हेलो दोस्तों, आप तुम सबका स्वागत मेरे चैनल बिजनेस पोकेमॉन गड्डा। और हम एक ढेर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे काम मैंने किया है। तो ये थे ये है कि असली दुनिया में जो पोकेमॉन आ जाए तो दुनिया में क्या होगा। तो भाई अकल मैं आ जाऊँ तो ये दुनिया में तो तू मेरे सेवा कर लेगा। मैं तो तेरी सेवा तो बिल्कुल नहीं करूँगा, काम पर काचूँ। भाई मैं सोचना करता मैं तेरे दुनिया में आया तो मैं तुझे ठंड रसोक जरूर दूंगा। हाँ दे देना, पहले तू बकवास बंद कर। हाँ तू सबसे पहले इंट्रो लगा। हाँ तो है ना, तो आ तो मुझे दुनिया में आता हूँ। चल पहले इंट्रो तो बकवास बंद कर। अरे देख रहा हूँ तो यही कर रहा है पिकाचू की। सर आप वो पिकाचू तो आपके दुनिया में आने का रास्ता ढूंढने गए। हाँ तो बड़ा रास्ता ढूंढेगा, उसे तो उसे अपने घर का रास्ता भूल जाता है। तो क्या मेरे पकड़ दुनिया का रास्ता ढूंढेगा वो भी। हाँ तो मैं थे इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पोकेमॉन दुनिया में आ जाए तो सब बहुत मजा आएगा। पर ये इस पोकेमॉन दुनिया में आए तो बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी और बुरी बातें भी, पर ज़्यादा अच्छी बातें होंगी। तो अब बताना आप कि हमारा तो पूरी दुनिया में होंगे तो लगेगा। तो मैं करता हूँ वीडियो चालू अभी और सारे टॉपिक बताऊँगा अभी एनिमेशन के साथ। ये थ्री में सब मैं जितने बैड रीजन है वो बताऊँगा और जितने भी गुड रीजन बताऊँगा। तो पहला रीज़न ये है कि आपको मैं एकदम जो पहले थे रहे थे उस टॉपिक। आज मेरी पोकेमॉन के दुनिया में साथ मेरा काम करने का पहला दिन है। बहुत दिन काम कर रहा था, आज मैं अपने दोस्तों के साथ पोकेमॉन के साथ काम करने वाला हूँ। तो चलता हूँ हम हमारे ऑफिस में। तो ये आगे हमारे आज मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। सर आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? हमारे उधर पोकेमॉन चुके हैं लोकारियो माचोप, वो आधी मेहनत में ही हमारा जितना भी काम है वो कर दे रहे हैं। तो देखो मैं तुम्हें समझाता। देखो जो ये लोकारी हो जो आराम से सारी बिल्डिंग का काम कर दे रहा है और तुम्हारे आधी शक्ति में आधी समय में ये जितने भी बिल्डिंग है उसको बना लेगा। तो तुम्हारे मजदूर को जो है तुम्हारी तो आज सब तुम सबको निकाल रहा हूँ नौकरी पे से। जो खास मुझे उनको रख लूँगा मैं। हाँ हमें सारे माचो में से पोकेमॉन रखने वाला हो जो आधी देर में काम करने वाले है और तुम्हारे पैसे में पहुँचा दूंगा काम करने के। तो आप ये देख के समझ गए होंगे ये तो पहला रीजन। मैं जो पोकेमॉन की दुनिया में आएंगे हमारी दुनिया में तो मौचम जैसे पोकेमॉन जितने भी मजदूर जैसे काम रहते हैं वो सब पे अपना कब्जा कर लेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो पोकेमॉन को काम कराएंगे क्योंकि वो आधे ही शक्ति में अब आधे ही समय में जितना भी काम है वो कर। तो बेरोजगारी की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी कि लोगों के पास बहुत सारे जो पढ़े लोग हैं उनके पास ही काम होगा। नहीं तो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं रहते उनके पास कोई काम नहीं होगा सिर्फ एक चीज को छोड़ के जो है पोकेमॉन। और दूसरा ये हमारा ये सर 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 दूसरे देश के लोगों ने हम पे पोकेमॉन लेके हमला कर दिया है। अभी हम क्या करें इनसे बचने के लिए? अभी तो हमें भी जंग लड़नी पड़ेंगी। तो सर वो तो मासूम पोकेमॉन है, उनकी गलती वो लोगों ने भी जंग में साझेदारी दे लिए तो हमें भी उन्हें मारना पड़ेगा। हाँ सर वो पोकेमॉन ने हमें मटा लिया तो जो हो हमें तो लड़ना ही पड़ेगा ये जंग। तो सर ये था दूसरा रीजन। तो जो बहुत सारे खराब लोग रहते हैं वह पोकेमॉनों को जंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने देखे थे जैसे पोकेमॉन की जंग हुई थी वैसे जंग के लिए इस्तेमाल करें पोकेमॉनों को। और दोस्तों मैं अगली बात बता दे रहा हूँ, कोई हिंट नहीं बताऊँगा नहीं कैसे आपको मैं कहानी समझाऊँगा और अब बताऊँगा नहीं आपको कोई स्टोरी जानने पड़ेंगी। अभी अगला रीजन आपको खुद जानना पड़ेगा कौन सा है, फिर बहुत सारे रीजन मैं ही बता दूंगा। आई एम अ वेरी बैड गुड बॉय। तो ये दो थे खराब रीजन, मतलब सबसे पहले मतलब बेरोजगारी आएंगी और बहुत सारे बुरे लोग पोकेमॉनों को जंग के लिए इस्तेमाल करेंगे 100% करेंगे। अभी जो अच्छे रीजन वो है ये है कि पापा पापा मुझे पोकेमॉन ट्रेनर बनने का है। क्यों तू पोकेमॉन ट्रेनर क्यों बने जाता है? पापा मुझे पोकेमॉन से रहना है घूमना है फिरना है और मुझे पोकेमॉन पे
अच्छे लगते हैं पोकेमोन, तो तू पढ़े पे ध्यान देना। नहीं पापा, पढ़ाई मुझे नहीं, मुझे पोकेमोन ट्रेनर बनना है। तो जा पोकेमोन ट्रेनर बन ले। अब तू 10 साल का होने वाला है तो मैं बात करके तुम्हें कोई स्टार्टर दिला देता हूँ प्रोफेसर से बात करके। तो ये टॉपिक है कि मतलब बहुत सारे ट्रेनर तो पोकेमोन जनरेट पे जाएंगे, पन वो लोग मतलब अपने क्या पढ़ाई धंधा तो बहुत कम ट्रेनर पढ़ाई करेंगे और बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग पढ़ाई करेंगे। जो जो पोकेमोन सफर मज़ा है वो इसे पढ़ाई में नहीं, इसलिए अभी बच्चे 10 साल के पढ़ेंगे होंगे वो पोकेमोन सफर से जाएंगे और बहुत कम लोग रहेंगे। जैसे नर्स जो ले लो सब बहुत कम लोग रहेंगे जो डॉक्टर कुछ बने होंगे, तो बहुत सारे लोग ट्रेनर ही होंगे पोकेमोन ट्रेनर। हर एक जन है कि जो भी लोग रहेंगे वो पोकेमोन जर्नी में जाएंगे फिरेंगे और मस्ती करेंगे, वही उन लोगों से सबसे बड़ा अच्छा रहेगा। कि पोकेमोन की दुनिया एकदम क्रेजी भरी है, तो पोकेमोन की दुनिया में जाएंगे हर बहुत अच्छे पोकेमोन पकड़ेंगे हर पोकेमोन को पाल लेंगे, तो उनको मतलब अच्छा लगेगा उनको। हम उनको सीखे उन्होंने क्या नई नई बातें सीखी दिन, बहुत सारे अलग अलग बातें सीखेंगे पोकेमोन के साथ, तो उनको पोकेमोन की मजा आएगा हमें मजा आएगा। हमारी दुनिया एकदम बोरिंग है तो दुनिया एकदम अच्छी हो जाएगी और बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ के पोकेमोन जर्नी पे ही जाएंगे। तो आप दोस्तों आप बता देना हमारी दुनिया पोकेमोन होनी चाहिए कि नहीं, कि बहुत सारे अच्छे रीज़न है हमारी दुनिया पोकेमोन होने चाहिए और बहुत कम रीज़न है जिससे पोकेमोन नहीं होने चाहिए। क्यों अभी कोई पोकेमोन लड़ तो सकते हैं, लड़ने नहीं लड़ेगा, वो जंग के मार्ग को अलग ही है। तो ए पिकाचू तू इतनी जल्दी आ गया, तुझे मिल गई हमारी दुनिया का गेट, बहुत ढूंढा पर मिला नहीं मुझे, तू तो यहाँ पे खा देता, मेरे पास एक चाबी है उसे दूंगा नहीं। पिकाचू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ना जाना है मत, लाइक होना ठोके देना एंड्रॉइड।